हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं हमेशा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नई नई जानकारी देता हूं। दोस्तों, हमारी जो कंपनी सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम कंपनी, वो देश के अलग अलग सिटीज में रेगुलरली वर्कशॉप करवाती है और दिल्ली में हमारी रेगुलरली 2 दिन की वर्कशॉप होती है। दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की दी जाती है। दोस्तों, पहले दिन हम इंडिया के रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। इंडिया में दोस्तों कैसे आप लाइसेंस ले सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बिल्कुल बेसिक नॉलेज देते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है। दोस्तों, इंडिया में कौन कौन से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं जो आपको एग्जीबिशन करवाते हैं अलग अलग देशों में, एग्जीबिशन अलग अलग देशों में कैसे किए कौन करवाते हैं जिससे आप वहां जाके बायर ढूंढ सकें। दोस्तों, हम कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, बायर से ढूंढ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं ये असली है डिफॉल्टर। दोस्तों, हम एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं जिससे आप ये आप अपने सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। सारे सर्टिफिकेट हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी दलाल के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब वो बन जाएंगे तो ऑनलाइन आपके मेल पे आ जाएंगे दोस्तों, और बहुत रीजनेबल कम प्राइस में बनेंगे। दोस्तों, सेकेंड डे हम कॉन्टिनेंटल डे होता है, उस दिन जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, क्या इंपोर्ट ड्यूटी है, कैसे चार्जेस लगेंगे, सर्टिफिकेट्स क्या हैं। दोस्तों, एक पैकेजिंग का प्रोग्राम भी हमने जोड़ रखा है इसके अंदर, ताकि आप पैकेजिंग कैसे करेंगे ताकि आपका सामान लंबे समय तक ठीक रहे। दोस्तों, आज बिल्कुल हम नेबरिंग कंट्री नेपाल से कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं उन चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको, नेपाल में क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। दोस्तों, नेपाल से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसको अपने डिब्बा बंद, अपनी कंपनी के डिब्बे में बंद करके यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं दोस्तों, नेपाल से हम कच्चा माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेपाल से चदरे काफी कम पैसे में इंपोर्ट कर सकते हैं, उन पे अपना लेबल लगा के यूरोप में काफी ऊंचे दामों में हम बेच सकते हैं। नेपाल से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट इम्पोर्ट कर सकते हैं हम नेपाल से, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट्स हो गया, सेब हो गया, ये चीज इंपोर्ट कर सकते हैं हम, और उसको अपने पैकेटिंग में लगा पैकेजिंग करके उसको यूरोप में काफी महंगे दामों में बेच सकते हैं। दोस्तों, नेपाल में जो कच्चा सामान है जो वहां के लोग बनाते हैं उन चीजों को हम लेके अपना पैक करके यूरोप में बहुत उच्चे दामों में बेच सकते हैं दोस्तों। और नेपाल में एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, सब्जियां एक्सपोर्ट होती हैं, जो है टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, मटर, ये अदरक एक्सपोर्ट होते हैं, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों, आम, अमरूद, लीची, कीवी एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, फुटवेयर एक्सपोर्ट होते हैं, जो हम शूज पहनते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, लेदर का सामान एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। नेपाल में माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो माउंटेनियर जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो सेफ्टी उपकरण होते हैं, ऑक्सीजन टैंक होते हैं और कपड़े होते हैं गर्म कपड़े, ये इंडिया से काफी एक्सपोर्ट होते हैं नेपाल के अंदर दोस्तों। और दोस्तों, फर्टिलाइजर काफी एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, नेपाल में, नेपाल की कुछ चीजें बता रहा हूँ। काठमांडू यहाँ की राजधानी है, नेपाली रुपया है यहाँ की करेंसी है दोस्तों, भाषा नेपाली है और जो फोन पे बात करेंगे उसको कंट्री कोड है 977। दोस्तों, नेपाली से इम्पोर्ट करके अपने पैकिंग करके यूरोप में काफी महंगे दामों में आप बेच सकते हैं। और दोस्तों, नेपाल में जो जो काठमांडू एयरपोर्ट है आप वहां पे बाय प्लेन भी अपने सामान को भेज सकते हैं। नेपाल में तिब्बती मार्केट भी लगती है दोस्तों, वहां पे आप गर्म कपड़े एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गर्म कपड़े, क्योंकि नेपाल एक ठंडा देश है चारों तरफ से दोस्तों ये घिरा हुआ है पहाड़ों से, तो कपड़े काफी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, पुराने वीडियो जरूर देखिए, काफी देशों के बारे में हमने जानकारी दी है। दोस्तों, हमारे 2 दिन की वर्कशॉप अगर आपको अटेंड करनी है, नेपाली लोगों को भी अटेंड करें तो वो आ सकते हैं और अपना काम इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का शुरू कर सकते हैं, नेपाली लोग भी कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, पैसे बहुत कम चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपने सीट बुक करवानी हो, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, डायरेक्ट मुझसे कॉल करके मुझसे बात कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।